हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, हम कभी समझ ही नहीं पाते। आजकल जिसको देखो वो किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं। पर हमारी सोसाइटी में ये संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। पेरेंट्स भी बच्चों को यही सिखाते हैं कि उसकी तरह बनो, इसकी तरह बनो, और ये संस्कार हमको जिंदगी भर मिलता रहता है कि इससे कुछ सीख लो, उससे कुछ सीख लो, इसके जैसे बन जाओ। किसी से कुछ सीखना बहुत अच्छी बात है, पर किसी के जैसा बनना आपका खुद का अपमान है। आपको किसी के भी जैसा बनने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको कुछ बनना है तो अपना बेस्ट वर्जन बनो। परमात्मा ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, हर इंसान को दुनिया में खास और अलग बनाया है। अगर परमात्मा को सब एक जैसे लोग ही चाहिए होते तो क्या जरूरत थी दुनिया में इतने अलग अलग तरह के इंसान बनाने की। हर इंसान को यह लगता है कि उसकी जिंदगी अच्छी है, काश मैं उसकी तरह जीऊं, उसके जैसा बन जाऊं। आप उसकी बाहर की लाइफ देख रहे हो, पर वो अंदर से कैसा जीवन जी रहा है क्या आपको पता है? वो इंसान इमोशनली कितना हर्ट हो सकता है आपको पता है? वो इंसान किस तकलीफ से गुजर रहा है आपको पता है? नहीं। एक जंगल में एक कौवा था, वो बहुत दुखी था, रो रहा था। वहां से एक महात्मा गुजरे, उन्होंने उस कौवे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, ये भी कोई जीवन है? मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं चाहता मैं किसी के पास जाके बैठूं। तो महात्मा ने पूछा, फिर तू क्या चाहता है? उस कौवे ने कहा कि आप मुझे हंस बना दो। महात्मा ने कहा, ठीक है, हंस तुझे मैं बना दूंगा, पर एक बार पहले तू हंस से पूछ के आ, क्या वो खुश है? वो कौवा और महात्मा हंस के पास आए। कौवे ने हंस से कहा कि क्या तो तुम्हारा जीवन है, कितना सुंदर तुम्हारा रंग है, और कैसे तुम पानी में आराम से रहते हो। तो हंस ने कहा, यह भी कोई जीवन है? ये कैसा रंग है सफेद सा, और मैं तो बोर हो जाता हूं पानी में बैठ बैठ के, ये कोई जिंदगी है? तो कौवे ने पूछा, क्या तुम भी दुखी हो? हंस ने कहा, और नहीं तो क्या। फिर महात्मा ने हंस से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूं, क्या तो उसका सुंदर रंग है, क्या तो उसकी लाल लाल चोंच है। महात्मा बोले, चलो ठीक है, मैं तुमको तोता बना दूंगा, पर मेरी वही शर्त है, एक बार तोते से भी पूछ लो क्या वो खुश है। अभी कौवा, हंस और महात्मा तोते के पास आए। उन्होंने तोते से आके कहा कि क्या तो तुम्हारा रंग है, क्या तो तुम्हारा जीवन है? तोते ने कहा, ये भी कोई जीवन है? और तुम मेरे रंग को पसंद करते हो? तुम चार बार यहां से गुजर गए इन पेड़ों के बीच में से, तब जाके तुम्हें मैं दिखाऊं, पता ही नहीं चलता तोता कौन है, पेड़ कौन है, मैं तो अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि तोता भी अपने जीवन से खुश नहीं। तो महात्मा ने तोते से पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, मैं मोर बनना चाहता हूं, मोर कितना सुंदर होता है, कितने सुंदर उसके पंख होते हैं, मुझे मोर बना दो। महात्मा ने कहा, मैं जरूर तुझको मोर बना दूंगा, पर मेरी वही शर्त, एक बार मोर से भी पूछ लो कि क्या वो खुश है या नहीं है। अब ये सब मिलके मोर के पास आए। उन्होंने मोर से पूछा कि क्या तुम खुश हो? मोर ने कहा, कुछ आवाज आ रही है। तो उन सब पक्षियों ने कहा कि हाँ, आवाज तो आ रही है, कैसी आवाज है ये? तो मोर ने कहा कि ये शिकारी मेरी माँ के पंख नोच नोच के निकाल रहा है। ये कोई जीवन है जहां अगले पल का पता नहीं कि कब मौत आ जाए, मैं तो बहुत परेशान हूं उस जिंदगी से। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो मोर ने कहा कि सबसे अच्छा जीवन तो इस कौवे का है, इससे मौत का कोई डर नहीं, इसे कोई मारना नहीं चाहता, किसी का इससे कोई स्वार्थी नहीं है, ये मजे से जहां भी चाहे उड़ जाए, जहां चाहे पहुंच जाए। हमारी भी कुछ ऐसी ही कहानी है, हमको लगता है कि वो सुखी है, उसे लगता है कि कोई और सुखी है। वास्तविकता में आपको किसी के भी जैसा बनने की जरूरत नहीं, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। बस आपको अपनी खूबियों को निखारना है, बस आपको अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है।